हमारे पास हमारे सामने यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी के संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि उसकी संयोजन समिति जो है उस समिति के सभी सदस्य मौजूद हैं। हमारे बीच श्री बलबीर सिंह राजेवाल जी उपस्थित नहीं है क्योंकि वो लखीमपुर खीरी में कल रात को पहुंच चुके हैं, दो विक्टिम्स की फैमिली से मिल चुके हैं, बाकी दो से मिल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि उनको हम फोन से कनेक्ट करवा देंगे लेकिन कनेक्टिविटी बहुत खराब है उनकी, तो इसलिए बात नहीं हो पाएगी। वो अपनी तरफ से माफी भेज रहे हैं। आप सबको नमस्ते भेजिए। गुरनाम सिंह जी हमारे दूसरे साथी इस कमेटी के, वो हरदोई में है उत्तर प्रदेश में जहां आज एक बड़ी महापंचायत हो रही है, इसकी वजह से वो भी आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनकी तरफ से भी क्षमा प्रार्थना। मेरे साथ राकेश टिकैत जी बैठे हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे बीच डॉक्टर दर्शन पाल सिंह हैं। डॉक्टर दर्शन पाल संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष भी। हमारे साथ श्री जोगेंद्र सिंह उग्राहा हैं, आप भारतीय किसान एकता उग्राहा, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष हैं और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सदस्य हैं। हमारे साथ श्री हरपाल सिंह जी हैं, आप उत्तर प्रदेश में बेनारी से हैं और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के अध्यक्ष हैं। कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता आपने की थी, उस नाते आप यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे साथ श्री हनान मौला हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हैं, 8 बार संसद सदस्य रह चुके हैं और ये 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। हमारे साथ श्री सुरेश पौंस जी भी हैं, आप हरियाणा से हैं, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख लीडर्स में से हैं और वहां लखीमपुर खीरी में पहले 3 दिन जो स्थानीय साथियों से बात करना, समस्या को स्थानीय रूप से हैंडल करना, उसके अंदर वहां पे मौजूद थे, तो वहां की स्थानीय स्थिति समझाने के लिए यहां मौजूद है। हमारे साथ श्री जयवीर राजवीर जादौन जी हैं, आप भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, स्वागत है आपका। तो सभी साथी अपनी बात 2-2, 3-3 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच अभिमन्यु भाई भी आ रहे हैं, अभिमन्यु कोहाट जो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की तरफ से उसके प्रतिनिधि के रूप में है, 9 सदस्य। आप भी यहाँ, शिव कुमार कक्का जी और दल्लेवाल जी, दल्लेवाल जी पंजाब में आज है वो नहीं आ सकते, उनके प्रतिनिधि के बतौर आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर दर्शन पाल से आग्रह करूंगा कि वो बातचीत को रखें। डॉक्टर दर्शन पाल अपनी बातचीत शुरू करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मेरे पत्रकार साथियों, ये जो घटना के लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसमें बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मोर्चे की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें आप अगर 25 सितंबर को जब दो इंपॉर्टेंट मैं नुक्ते उठाना चाहता हूं, 25 सितंबर को अजय मिश्र टैनी जी पूरन नगर में आते हैं लखीमपुर खीरी में, वहां एक भाषण देते हैं, कुदरती उनकी फेसबुक लाइव वीडियो जो हमको मिल गई अचानक, वो वैसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं था, एक लेक्चर है जो हॉल में है, वो लेक्चर में एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है जो बैकग्राउंड मैं ये कहना चाहता हूं कि एक लंबे समय से बीजेपी के राज में वहां के किसानों के बारे में उनकी पहुंच को स्पष्ट करता है। और उसमें उन्होंने जो कहा
उससे पहले जिस तरह से उनकी गाड़ी आराम से निकाली किसानों ने, उसको किसानों ने बकायदा आगे होके गाड़ी को पीसफुली निकालने में हेल्प की, दूर से लोगों ने झंडे दिखाए उनको, ब्लैक फ्लैग, और वो गुस्से में जाके जो बोलते हैं वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है जिसको 3 तारीख को 3 बजे ये घटना घटती है। तैनी जी बोलते हैं कि मैं MLA MP हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्या था ये इन लोगों को पता है, मैं कोई हिसाब रखना ही नहीं चाहता, साथ साथ चुपता करता हूँ। और यहाँ तक बोल गए वो कि ये लोगों ने पटे पे लिए हुई जमीनें जो थी लोगों की उस पर कब्जा किया है और इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है, इन लोगों को यूपी से बाहर फेंक देंगे, बाहर उखाड़ के भेज देंगे। मतलब जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उससे उनकी वो वीडियो बहुत क्लियर स्पष्ट होती है। और 3 तारीख को उनका बेटा अपने साथियों के साथ उस पूरा जो एक साजिश रची जा रही थी उसको एक व्यवहारिक अंजाम देते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि पहले दिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, जैसे ही वीडियो वो थार जीप वाली आई और दूसरी कुछ वीडियो आई तो लोगों को समझ आया कि कैसे ये जो घटना है ये सिंपल घटना नहीं है, ये घटना उस पूरी साजिश का हिस्सा एक तरफ है और दूसरा इस घटना के जरिए ये लोगों के ऊपर एक टेरर अटैक कर रहे हैं, यानी एक लोगों को चुप कराने की कि आप अपनी बात मत रखो, काले झंडे तो क्या आपको बोलने भी नहीं देंगे। तो ये घटना बैकग्राउंड में हम ये कहना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 तारीख को ही, पहले ही 25 तारीख की जो घटना थी, वीडियो थी, हमने उसको बहुत वायरल किया, लोगों को बताया, और 3 तारीख की घटना को जैसे ही आई उसको हमने देखा कि कैसे हमारे 4 साथी और एक पत्रकार साथी जो थे कश्यप जी वो शहीद हुए। और उस घटना के साथ उन्होंने जो दहशत पाने की कोशिश की, टेररिज करने की कोशिश की, संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में इसके विरोध में डिमांड करते हुए उसके पिताजी के बारे में और इनके बारे में पूरे देश से एक मेमोरेंडम भेजा राष्ट्रपति जी को नेक्स्ट डे ही। और ये जो एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे उस वातावरण को हमने तोड़ा। इस बैकग्राउंड में पूरी घटना को देखना चाहिए। और आज भी वहां के किसान जनरली, खास करके पंजाबी किसान स्पेसिफिकली, वो उनके ऊपर अटैक होने की संभावना है। उसी दिन खट्टर जी का बयान आया जो आपने सुना होगा। ये कुल मिला के एक बैकग्राउंड है जिसमें मोदी जी का बयान भी उस दिन आया था। इन पूरी विचारधारक लड़ाई में हमारे किसान विक्टिम हुए हैं, शहीद हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। धन्यवाद। जोगेंद्र सिंह उग्राहन से आज्ञा करूंगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाए। जोगेंद्र सिंह उग्राहन जी अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन। साथियों, हमारा किसान आंदोलन ठीक 10 महीने के ऊपर चला गया। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये पीसफुल तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था तो पीसफुल तरीके से ही चल रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको खंडाने के लिए, इसको उखाड़ने के लिए जितनी कोशिशें भी की, सब की सब निकाम की है। कभी इसको खालिस्तानी बोला गया, कभी इसको पाकिस्तानी बोला गया, कभी इसको एजेंट बोला गया, कभी इसको नक्सली बोला गया, कभी इसको बोला गया कि ये किसान ही नहीं है। तरह तरह की चालें अभी तक चलते रही बीजेपी की सरकार, वो सारी की सारी विफल हुई हैं, फेल हुई हैं। लेकिन अभी जो पिछले 3 महीने से जो पैंतरा बीजेपी सरकार लेकर आई है वो बहुत ही खतरनाक है। ये ऐसा पहली बार नहीं है, हर आंदोलन में ऐसा ही होता है। पहले पूरी कोशिशें दूसरी की जाती हैं, उसके बाद में बीजेपी सरकार आप हिंसक होती है और हिंसक कार्रवाइयों के प्ररूप हैं। 3 महीने से हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आ रही है, जो उसको इकबाल भी कर लिया उन्होंने वापस लेने के, जब वापस लेने का शब्द आता है तो इसका मतलब पहले उसने शब्द बोला है और उसके लिए वापस कर ले, लठ उठा लो, 700 से 1000 बंदा इकट्ठा कर लो। करनाल की घटना आपके सामने है, हिंसक की घटना आपके सामने है,
इतनी कितनी है हिंसक घटनाएं के लिए जे उतराई है सरकार, और इसी घटना जो लखीमपुर की है उसके साथ ही जुड़ती है। इसका मतलब है सरकार हिंसा करने के ऊपर उतर आई है, और हमें हिंसा करने के लिए रास्ते, वो हिंसा के रास्ते पर पढ़ना चाहती है सरकार, जो हम इससे कतई इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम इनका कैसे जवाब देना है, कैसे इसका सामना करना है, हम इनकी हिंसक ताकरे का, इनके जबर का जवाब अपने तीखे संघर्ष के साथ बैलेंस को कायम रखते हुए इसका पूरा जवाब इनको ठोक कर जवाब देंगे। इससे संघर्ष ना टूटेगा, ना हरेगा, ना हम पीछे हटेंगे, हम इनका इसकी सारी चालों को भूलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ जुड़मी हमारी मांगे ये है कि ये जो इस लखीमपुर घटना का मुख्य दोषी है, जिसमें अजय मिश्रा जो मंत्री हैं उनका फौरन उसका उसको बर्खास्त किया जाए अहदे से, और उसके ऊपर जो तारा लगी हुई है तारा से 120B उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि उसका जो पुत्र है आशीष मिश्रा उसको भी गिरफ्तार किया जाए। उसको ऐसा नहीं है, उसको दोषी है, वो 302 का दोषी है, वो कातिल है, उसको अपील की जा रही है, उसको बुलाकर पेश होने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा कभी 302 के दोषी के साथ नहीं होता। जो 302 के दोषी के साथ जो व्यवहार आम जनता के साथ होता है, वही खास लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन दोनों की फौरी गिरफ्तारी हो। अब तब ये आंदोलन आगरी, जब तक ये नहीं इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता और उसके साथ जुड़ में जितने दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, आगे प्लान बनता रहेगा इसका। हम ये अगला ऐलान जो है हम 12 तारीख को जो उसकी अंतम श्रद्धांजलि समागम है लखीमपुर में, उसमें ऐलान करेंगे अगले प्रोग्राम का। थैंक यू। उग्रास साहब ने स्पष्ट किया कि हमारी मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इस पूरे षड्यंत्र में जैसा डॉक्टर दर्शनपाल ने बताया, इसकी शुरुआत शह देना, षड्यंत्र बनाना और उसके बाद कातिलों को प्रोटेक्ट करना, इन सब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इन्वॉल्व है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उनके बेटे को, जिसको आज ससम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस ने बातचीत करने के लिए बुलाया है, काश इतनी खूबसूरती से उत्तर प्रदेश पुलिस वहां के सब नागरिकों से व्यवहार करती, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी मांग स्पष्ट किया है। अब मैं हनन मौला जी से कहूंगा कि वो इस आंदोलन का जो व्यापक अखिल भारतीय स्वरूप है उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि सारा ध्यान लोगों का हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ही रहता है। हनन मौला साथियों, ये आंदोलन 10 महीना चल रहा है, अगले 26 नवंबर एक साल पूरा होगा, आप सबको मालूम है। और ये आंदोलन करते करते हमारा 603 कॉम्रेड आंदोलन के मैदान में शहीद हो गया, ये भी आपको मालूम है। ये तब तो सरकार के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास नहीं है, दुख के बाद मगर फैक्ट। इस परिस्थिति में जो आंदोलन हम चला रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोला जो आंदोलन शुरू लिमिटेड है पंजाब में, हरियाणा, पंजाब हरियाणा ये आंदोलन का प्राण केंद्र है, सामने है। मगर है ये आंदोलन दो हिस्सों में बटा हुआ, एक है 6 राज्यों जो है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान, ये 6 राज्य दिल्ली में चार जो है, ये है दिल्ली को घेरने का जो आंदोलन है, इस आंदोलन में वो बैठे हैं, उसको ताकत बढ़ा के ये आंदोलन चला रहा है। और दूसरा है 25 राज्य जो है वो अपना अपना राज्यों में जिला में गाँव में ब्लॉक में हर कल को, आज तक जितना कॉल दिया है SPM, हर कल को पूरा तरह इसको पारित किया है। इसलिए ये बात मानना समझना चाहिए कि ऑल इंडिया लेवल पे ये दो हिस्से में आंदोलन चल रहा है। और जब हड़ताल हुआ, बंद हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस बंद में शामिल, ये आंदोलन को सारे लोग समर्थन किया, 10 ट्रेड यूनियन समर्थन किया, ये आंदोलन को बाकी स्टूडेंट यूथ वीमेन समर्थन किया, इस आंदोलन को बुद्धिजीवी लेखक साहित्यिक समर्थन किया, इतना व्यापक समर्थन आज तक कोई आंदोलन को हमारा सामने देखा नहीं गया। इस आंदोलन सबके समर्थन के साथ से पूरा देश में चल रहा है। इसलिए आज जब कोई हम प्रोग्राम ऐलान करता है
आज एसकेएम एक नाम बन गया बेटे, एसकेएम को घोषणा करेगा तो अपना गांव में अपना मोहल्ला में बैठ के लोग तैयारी शुरू कर देता है और वो प्रोग्राम को कार्यान्वित करता है। तो आज किसान आंदोलन किसान का जो दुख दर्द का सवाल है ये पहुंच गया है गांव गांव में, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जब हम आगे बढ़ रहा है तो सरकार फ्रस्ट्रेटेड है, हमको आंदोलन तोड़ नहीं पाया, हमको बदनाम करके आइसोलेट कर नहीं पाया, हमारा अंदर विभेद पैदा करने किया, 500 संगठन इकट्ठा है, इसी तरह जब नाकामयाब है तो प्राण में मारने का फायदा है। ये आरएसएस का हिंसा है, फिजिकली खत्म, पहले हरियाणा में एक कॉमरेड को खत्म किया हरियाणा मुख्यमंत्री के निर्देश में, दूसरा आसाम का मुख्यमंत्री के निर्देश में दो आसाम में खत्म किया दूसरा, और तीसरा जोगी का सहयोग में हमारे उत्तर प्रदेश में 5 साथियों को खत्म। तो मालूम नहीं है आने वाला दिन में ये उसका लाइन होगा तो शायद जहां जहां उसका सरकार है या ताकत है आरएसएस शायद इस तरह खून खराब है, क्योंकि समझ रहा है आंदोलन डरा नहीं पा रहा है, इसको टेरर करो इसको खून करो इस तरह से इस आंदोलन को हम तोड़ सकता, मगर हम ये बात कह सकता ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ चलेगा पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने चल रहा है, और अगले आंदोलन जब हम घोषणा करेंगे इस महीना का पूरा इसके पता चलेगा कि सरकार को कोई बात को हम याद नहीं करेंगे, आंदोलन लड़ेंगे हम और जीतेंगे इसी मकसद के साथ ये आंदोलन का आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जी अब मेरी जिम्मेवारी है कि जैसा हमारे तमाम साथियों ने बताया है कि इस संघर्ष को हम आगे लेके जाएंगे लोकतांत्रिक तरीके से शांतिमय तरीके से। तो क्या प्रोग्राम होगा? कल संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों की एक बड़ी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता हरपाल जी ने की थी। उस बैठक में जो निर्णय हुए वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, पढ़ के सिर्फ सुना दे रहा हूँ, बाकी साथी आगे उसका विस्तार से बताएं। 5 अपील हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम है 12 तारीख को। 12 तारीख को हमारे इन सभी 5 शहीदों, 4 हमारे किसान और 1 पत्रकार जो शहीद हुए इसके नीचे दबते, 5 किसान और 1 किसान पत्रकार जिन्होंने मुझे करेक्ट किया, इन 5ों की अंतिम अरदास और भोग समारोह उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में तिकोनिया स्थान पर होगा। एग्जैक्ट वेन्यू हम कल शाम तक तय करके बता देंगे, लेकिन लगभग वहीं जहां ये घटना घटी लगभग वहीं एक अंतिम अरदास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हम देश भर के किसानों से अपील करते हैं कि आप वहां पहुंचिए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, किसान आंदोलन के लिए जलियांवाला कांड के बराबर है एक घटना। देश भर के किसानों से हम अपील करते हैं कि आप जो जो संभव है तिकोनिया लखीमपुर खीरी में 12 तारीख को सुबह पहुंचिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। जो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए उन तमाम लोगों से हमें आग्रह है आप अपने पड़ोस के गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, किसी स्थानीय सार्वजनिक स्थल पर, हमारे मोर्चे पे, धरने पे, टोल प्लाजा पे, जहां जहां किसान हैं, सबसे अनुरोध है 12 तारीख शहीदों की स्मृति का दिन है, हम सब उसको मनाएंगे। देश के तमाम नागरिक संगठनों से हमारा अनुरोध है कि 12 तारीख शाम को कैंडल लाइट मार्च निकाले, मोमबत्ती से लेके चले, याद करें शहीदों को। और इस देश के हर नागरिक से आग्रह है, अंततः वो सब अन्नदाता से ही हम 3 वक्त खाना खाते हैं, देश के हर नागरिक से आग्रह है आप किसी आंदोलन में नहीं आ सकते, आप कैंडल लाइट मार्च में नहीं आ सकते, आप तिकोनिया नहीं पहुंच सकते, शाम को 5 मोमबत्ती अपने घर पे जलाइए, याद कीजिए उन अन्नदाताओं ने जिन्होंने शहादत दी है। शाम 8 बजे 5 मोमबत्ती आप अपने घर के बाहर जलाइए इन 4 किसानों और 1 किसान पत्रकार की याद। पहला कार्यक्रम ये। दूसरा कार्यक्रम है कि 12 तारीख को वहीं तिकोनिया से पूरे देश के लिए
शहीद किसानों के अस्थि कलश फूल बोलते हैं उसे लेके यात्रा रवाना हो। 75 उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं हर जिले के लिए अलग अलग कलश लेके उस जिले की यात्रा वहां से रवाना होगी 12 तारीख को, और ये यात्राएं सब 24 तारीख तक समाप्त हो जाएंगी, और बाकी देश के हर राज्य के लिए एक एक कलश लेके वहां के लिए यात्रा शुरू होगी। केरला के लिए भी, तमिलनाडु के लिए भी, मेघालय त्रिपुरा के लिए भी, गुजरात के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए। तो 12 तारीख से कलश यात्रा, शहीद किसान कलश यात्रा रवाना होगी हर जिले के लिए, हर राज्य के लिए, और उसे अपने अपने जिले, अपने अपने राज्य में संयुक्त किसान मोर्चा के जो सहयोगी संगठन है वो तय करेंगे यात्रा का विसर्जन कहाँ पे होगा, किसी पवित्र स्थान पे, किसी ऐतिहासिक स्थान पे उसका विसर्जन किया जाए। दूसरा प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम है दशहरे का। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है, और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो तीन प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे, हमारे सब साथियों ने कहा नहीं नहीं मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये है, हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं, हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन तीन प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाएगा। तीसरा कार्यक्रम। चौथा कार्यक्रम है 18 अक्टूबर का। 18 अक्टूबर को रेल रोको, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया। और पांचवा और अंतिम कार्यक्रम 26 अक्टूबर का। 26 तारीख हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है हर महीने की। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। राकेश जी मेरे साथ बैठे हैं, हरपाल भाई भी हैं, तमाम साथी हैं। जिस तरह की ऐतिहासिक महापंचायत मुजफ्फरनगर में करके हमने शुरुआत की थी, उसी तरह से इस बार लखनऊ में 26 तारीख को ऐतिहासिक महापंचायत की जाएगी। मैं स्पष्ट कर दूं कि 12 तारीख को शहीद स्मृति दिवस की घोषणा हो चुकी है, वो होगा, बाकी सब चारों कार्यक्रम इस पर निर्भर है कि अगर 11 तारीख तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती, जो बता चुके हैं उग्रहा साहब, अगर 11 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तो 12 को वही श्रद्धांजलि सभा से हम इन बाकी चार कार्यक्रमों की घोषणा कर देंगे और इन सबको पूरा करेंगे। तो ये हमारे कार्यक्रम है संयुक्त किसान मोर्चा के। कल उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी हरपाल सिंह जी ने, अखिल ये भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में और उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में दो शब्द। साथियों, उत्तर प्रदेश इस भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 2022 में चुनावी वहाँ प्रस्तावित हैं और उत्तर प्रदेश वो राज्य है देश का ज्यादातर प्रधानमंत्री आते हैं देश के, लेकिन आज हालात ये उत्तर प्रदेश के, जो घटना की गई है एक साजिश तय की गई है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना बकाया है 8,000 करोड़। उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली के बिल हैं 22,000 रुपये साल 10 और 12 के। उत्तर प्रदेश में MSP पर खरीद मात्र 10% होती है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दमन है इस टाइम। तो अब क्योंकि घटना हुई है लखीमपुर की, हमको ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली के आंदोलन में ये जो हमारा कैंप लगा, ये धरना चला हमारा गाजीपुर में, हमारे उत्तराखंड के लोगों ने और तराई के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इस बात को दृष्टि रखते हुए जो मंत्री जी जो बयान दिया थोड़े दिन पहले कि हम सब सिखा देंगे, इनकी पूरी साजिश थी। अब तक इस पार्टी ने हमें बांटा, हिंदू मुसलमान बांटा था, और ये साजिश थी लखीमपुर की मंत्री की कि किसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में सिख और हिंदू में बांट दें, ये बड़ी स्पष्ट साजिश चिड़की है। लेकिन वो साइज कामयाब नहीं हुई, इनके बाद तो कार्यक्रम नहीं आज की तारीख में,
इसलिए उत्तर प्रदेश को टारगेट बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में दमन नीति अपना रहे हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी अगले दिन बाद जब मीटिंग थी आपने देखा होगा डीजीपी बराबर बैठे बात कर रहे थे और डीजीपी ने ऐलान किया था कि पॉलिटिकल नेता नहीं आएंगे यहाँ, एक किसान नेता को कोई रोक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो भी ले हम लोग गए निकलकर खेतों में जाना हमको पड़ा, पूरे बॉर्डर सील कर दिए थे उन्होंने। तो ये सरकार पूरा टारगेट बना रही है कि उत्तर प्रदेश में इतना दमन पैदा करो ताकि लोग हिंदू मुसलमान बने, हिंदू सिख बने यहाँ। लेकिन अब ये आसान नहीं है इनके लिए, पूरे किसान जान चुके, देश जान चुका है, इनकी राजनीति का हथियार है हिंदू मुसलमान का, इसको ये आंदोलन ध्वस्त करेगा, ध्वस्त कर दिया है। और अब इस देश की लड़ाई 135 करोड़ की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं पूरी देश की लड़ाई, और लड़ाई पूरे भारत की है। मैं आखिरी बात कहकर बंद करूँगा अपनी बात, साथियों आज लड़ाई एक उससे नहीं है, उससे पार्टी है। इस दिल्ली की कुर्सी पर एक फासिस्ट सोच बैठी है और वो सोच ये है जब कोई छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको कहती है टुकड़े गैंग के लोग हैं, जब आदिवासी आंदोलन करते हैं देश के अंदर अब जुर्म बचाने के लिए उनको नेक्सलाइट कहते हैं, जब किसान आंदोलन करते हैं उनको खालिस्तानी कहते हैं, जब कर्मचारी सड़क पर आता है उसको ये अर्बन नेक्सलाइट कहते हैं। तो इन्होंने नेक्सलाइट कर लिया पूरा देश के अंदर कि कोई खिलाफ मत बोलो, ये बोलेगा उसको दमन करेंगे, उसको दंड देंगे। तो हम बहुत साफ करने जाते हैं उत्तर प्रदेश में हम तमाम संगठन जितने काम करें के अंदर हम मिलकर इस सरकार का लड़ेंगे। और 26 तारीख को रैली होगी लखनऊ की, ऐतिहासिक होगी, और हम बता देंगे सरकार को कि उत्तर प्रदेश भी अब हरियाणा पंजाब की तरह पूरे हिंदुस्तान सड़क पाएगा और सरकार को काम करेंगे उत्तर प्रदेश से। हम ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यही शुक्रिया। हमारे बीच हरियाणा से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधि और युवा अध्यक्ष भाई अभिमन्यु कोहाट हैं। उनसे विशेष आग्रह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था और कल अचानक जैसे उनको कोई माता दिखाई दे गई है, उसके बारे में दो टिप्पणी की। थोड़ा इधर आ जाते तो थोड़ा इधर आप मेरी जगह आप मेरी जगह दिखेगा नहीं वहां से आप। साथियों, जो ये लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, इस घटना को एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के तहत देखा जाना चाहिए। इस घटना को हम अलग से करके नहीं देख सकते हैं। पहले हरियाणा के करनाल में जिस तरीके से एसडीएम की वीडियो आई थी जिसमें वो पुलिस वालों को कह रहे थे कि किसानों के सर फोड़ दिए जाएं, वहां पे एक किसान की शहादत हो जाती है, उनको लाठियां मारी जाती है, एक तरीके से उनकी नृशंस हत्या की जाती है। उसके बाद 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री का बयान आता है और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि लखैर तैयार करो। वो अपने एक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग थी, लेकिन वहां पे किसी ने उनकी वीडियो लीक कर दी और वो बाहर वायरल हो गई। उस वीडियो में वो कह रहे थे कि हर गांव में लखैर तैयार होने चाहिए, हर जिले में लखैर तैयार होने चाहिए, 800,000 लखैर तैयार करो और इन किसानों के साथ टकराव करो। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और अब अचानक से परसों कल मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक वो माता के मंदिर में गए हुए थे और उन्होंने कहा कि उनको सद्बुद्धि आ गई है और अपने वो शब्द वापस लेते हैं। उन्होंने मंशा अभी भी उनकी वही है, उन्होंने सिर्फ अपना बयान वापस लिया है, लेकिन मंशा उनकी अभी भी वही है कि पिछले 10 महीने से ये बीजेपी आरएसएस की सरकार जिस किसान आंदोलन को कुचलने में विफल रही, अब ये डायरेक्ट किसानों को कुचलना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब देखिए लखीमपुर खीरी की घटना के बाद अंबाला के नारायणगढ़ में जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी जो वहां के सांसद है नायाब सैनी, उनकी काफिले की एक गाड़ी ने किसान को टक्कर मारी। वो तो हमारे जो किसान भाई मौजूद थे वो वहां पे बिल्कुल एक्टिव थे और उन्होंने मौके को संभाल लिया और उनको तुरंत वे हॉस्पिटल लेके गए। तो सरकार की मंशा अभी भी वही है कि किसी भी तरीके से अब किसानों को कुचला जाए। इसके अलावा साथियों एक बात हम और कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए तमाम वीडियो सामने आई है। अभी कल जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऑफिशियल फेसबुक पेज है किसान एकता मोर्चा, उस पर भी वो वीडियो डाली गई है, मीडिया के साथियों तक भी वो वीडियो पहुंची होगी कि किस तरीके से
हजारों किसान मौजूद थे, लेकिन वो बीजेपी के नेताओं की सभी गाड़ियों को शांतिपूर्वक वहां से निकाल रहे थे, उनके लिए रास्ता बना रहे थे। किसी भी किसान ने कुछ भी किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं की, बाकायदा उनके लिए रास्ता बनाया। तो इतने शांतिपूर्वक तरीके से रास्ता बनाने वाले किसान किसी के साथ टकराव करेंगे, इस चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब 25 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखें, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस तरीके की भाषण देते हैं जिसमें वो किसानों को देख लेने की बात कहते हैं, उनको यूपी छुड़वाने की बात करते हैं, यदि प्रधानमंत्री मोदी ने और पूरी सरकार ने उसी दिन संज्ञान लेके उस घटना का अजय मिश्र पे यदि कार्रवाई की होती तो ये 3 तारीख को किसानों का नरसंहार ना हुआ होता। लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब मोदी सरकार ऊपर से लेके नीचे तक इस नरसंहार के लिए दोषी है और इनके सभी के सभी लोग लिप्त हैं। अभी एक सूचना और मिल रही है कि लखीमपुर में दोबारा से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। ये सच को दबाने की, सच को कुचलने की सरकार की कोशिश है, क्योंकि जैसे ही वीडियो बाहर आने लगी, जिस वीडियो में हमारे नेता जो भी घायल है तेजेंद्र विर्क वो जा रहे थे, उनको कुचलने का प्रयास किया गया, अन्य किसानों को कुचला गया, फिर ये वीडियो सामने आई जिसमें किसान रास्ता दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, तो जैसे ये सच बाहर आने लगा पूरे देशवासियों के सामने, तो उससे बीजेपी आरएसएस की ये सरकार बौखला गई और अब इन्होंने दोबारा से इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि सच ना तो देशवासियों तक पहुंच सके और ना ही मीडिया के बंधुओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं भाई सुरेश कौन जी से कहूंगा। सुरेश कौन जी वहां पे लखीमपुर में जो सबसे पहले साथी पहुंचे उनमें से एक थे। सुरेश कौन जी उन नेताओं में से थे जो मौके पे सबसे पहले पहुंचे थे, तो वहां जो कुछ बात और पूरी जो बातचीत हुई उस सबका हिस्सा थे, तो वो उसका कुछ बैकग्राउंड बताएंगे और अंत में राकेश जी अपनी बात करेंगे। आदरणीय साथियों, जैसा कि एक बात प्रचारित कर दी गई, ये जो समझौता हुआ किसी एक नेता ने या किसी एक संगठन ने किया, इसमें शुल्क मोड़ता नहीं, ये बात पूरी तरह गलत है। जो वहां बातचीत हुई उसके अंदर गुरमीत सिंह जी मांगट जो वहां के स्थानीय नेता हैं और उनकी कमेटी के जो 11 लोगों की वहां कमेटी सारी शामिल थी, राकेश जी टिकैत और उनके स्टेट के डीके के जितने बड़े पदाधिकारी वो सारे शामिल थे, जसवीर जी विरक जो वहां के सिखों के नेता है, सिख राष्ट्रीय संगठन के नाम से वो शामिल थे, बाबा अनूप सिंह जी वो शामिल थे, रमिंदर जी पटियाला जो पंजाब से किसान नेता वो शामिल थे, प्रताप जी बाजवा जो किसान नेता है ज्यादातर गाजीपुर बॉर्डर पे रहते वो शामिल थे, उत्तराखंड से है प्रताप बाजवा जी, सभी परिवारों के सदस्य उसमें शामिल थे, और मैं खुद सुरेश को हरियाणा से भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से गया हुआ था वो शामिल था, और संयुक्त मोर्चा की जो हमारी बड़ी 9 मेंबरी कमेटी है जो तालमेल के लिए बनाई गई है, जो संचालन करती है सारे मोर्चे का, डॉक्टर सुदर्शन पाल जी, जोगिंदर सिंह जी उग्राहा, योगेंद्र यादव जी, जगजीत डल्लेवाल जी, बलबीर राज्यवाल जी, ये सारी की सारी जो हम वहां बातचीत चल रही थी टेलीफोन के द्वारा हमारे सभी संपर्क में थे और हर एक पॉइंट के ऊपर हमारी डिस्कस हो रही थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी एक ही नेता का यह डिसीजन है, ये सारे के सारे संयुक्त मोर्चा का है, सामूहिक फैसला है। और 5 दौर की हमारी बातचीत हुई, 4 बार टूटी, 5वीं बार हमारा कुछ सहमति बनी, और अगले दिन जो हमने हमारे किसान साथियों की डेड बॉडी रोक ली थी, एक हमें विश्वास नहीं हुआ था कि पोस्टमार्टम सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, दोबारा करवाया गया था,
उसमें हमारे दो तीन नेता पंजाब से हरियाणा से और पहुंच चुके थे। रद्दू सिंह मानसा जी 5 तारीख की मीटिंग में पहुंच गए थे, बाकी सभी साथी ये भी थे, और एक हरियाणा से है प्रेम जी गहलावत, वो भी पहुंच चुके थे। मैं आप लोगों को यह सिर्फ एक क्लियर करने के लिए ये बात आपको बता रहा हूं कि ये सरासर झूठ है, कोई एक आदमी का निर्णय नहीं था, पूरे किसान मोर्चे का निर्णय है ये। और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गुरमीत सिंह जी मांगट और तेजेंद्र सिंह जी विरक जो हमारे स्थानीय नेता है, उनके साथ पूरा उनके साथ वहां की पूरी किसान संगत के साथ और उनके परिवारों के साथ पूरा संयुक्त मोर्चा खड़ा है, वो अकेले नहीं है। किसी भाई को अगर कोई मन में हो, तीसरी बात उसी घटना को लेकर के राजस्थान के अंदर हमारे साथी ज्ञापन दे रहे थे, हनुमानगढ़ के अंदर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में एक धरना चला हुआ है, वो धरना संयुक्त मोर्चे का है। राजस्थान सरकार उनकी मांगों भी जल्दी मांगे, वो भी संयुक्त मोर्चा का पार्ट है। धन्यवाद। अब मैं राकेश जी से आग्रह करूंगा, मैं एक सिर्फ जिक्र कर दूं, क्योंकि आपने तेजेंद्र सिंह विर्क का जिक्र किया, आप सबने वो वीडियो देखी होगी जो इस देश ने दुनिया ने सबने देखी। उस वीडियो के पहले फ्रेम में जो 6-7 लोग हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में जो व्यक्ति है लाल पगड़ी पहने हुए, उसका नाम है तेजेंद्र सिंह विर्क। वो तराई किसान संगठन के हैं, मैं कह सकता हूं पिछले 5 वर्ष से हम एक साथ काम कर रहे हैं, और हम सबको लगा कि बिल्कुल प्रिंसिपल टारगेट उस लिंचिंग का जो था वो तेजेंद्र सिंह विर्क का है। आप सबने देखा जीप आती है उनके ऊपर रौंद के निकल जाती है, तेजेंद्र सिंह विर्क वहां दूर जाके खड्डे में गिरते हैं, और हम सबकी खुशकिस्मती है कि वो व्यक्ति आज जिंदा, उनको खड्डे से निकाला जाता है। पगड़ी पहनी हुई थी, इसके बावजूद बहुत सीरियस हेड इंजरीज हुई है, वेदांता में फाइनली ऑपरेशन हुआ उस व्यक्ति का। मैं सब इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उस तेजेंद्र विर्क के खिलाफ कंप्लेंट हुआ। कंप्लेंट क्या, कि उस गाड़ी से रौंदे जाने के बाद, खड्डे में गिरने के बाद, इतनी सीरियस हेड इंजरी होने के बाद तेजेंद्र सिंह विर्क लठ लेके दूसरों की लिंचिंग कर रहा था, और इस कंप्लेंट को यूपी पुलिस एंटरटेन कर रही है। आप सोचिए क्या हो रहा है इस देश। तस्वीर है उस आदमी के रौंदे जाने की, तस्वीर है खड्डे से जब उसको निकाला जा रहा है उसकी, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट है कि कहां कहां वो व्यक्ति गया, और उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसने लिंचिंग कर दी इन लोगों। तो झूठ की कोई सीमा होती है इस देश। जैसे योगेंद्र जी ने कहा, वहां मीटिंग के अंदर ये बिल्कुल बातें हुई थी कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, हमने आक्रमण झेला है, आक्रमण किया नहीं, वो वीडियो भी साबित कर रही है। ये एक टेरर अटैक है, आतंकवादी घटना है, हमारे को डराने के लिए की गई है, और वो वीडियो ये सारी बात साबित करती है। धन्यवाद। शुक्रिया। आप राकेश के कह दिया की बात। धन्यवाद सभी साथियों का, धन्यवाद सभी साथियों का। और जो ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि नेट वहां पे बंद थे लखीमपुर खीरी में, सारी वीडियोज सामने नहीं आ पाई, और जैसे जैसे वीडियोज आई आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल के लेकर आप लोग आए। आपने पूरा जिस तरह का दहशत का माहौल वहां के लोगों के बीच में है, आज भी लोग बहुत भयभीत और डरे हुए हैं, और संयुक्त मोर्चे की समस्त देश के किसानों की ये डिमांड है। ये समझौते में भी शामिल थी कि मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जांच पूर्ण रूप से यहां की सरकारें पुलिस अधिकारी कर ही नहीं सकती। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा, उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी, गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा,
कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे जब तक जांच अधूरी रहेगी। ये आंदोलन हमारे चलेंगे और हमारा आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ जाएगा और जब तक समाधान नहीं होगा यह आंदोलन जारी रहेगा। पांच घोषणाएं जो संयुक्त मोर्चे ने की, जो इतने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं, इन्होंने घोषणाएं की और 26 तारीख तक का पूरा प्लान यहाँ पे बताया गया है। पूरा प्रशासन से ये है कि लोग हमारे जाने शुरू हो गए हैं, उनको रोकने की वो ना करें। उस दिन भी जब यहां से हम 5 बजे के आसपास चले, गाजीपुर बॉर्डर से रोकना शुरू हुआ और वहां तक पुलिस पूरे रास्ते लगी रही, करीब 12 घंटे वहां पे जाने में लगे हमको। 100 से ज्यादा गाड़ियां थी, बैरिगेटिंग्स थे, वहां पे गए बहुत लोग, वहां पे गए करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बीच में ये समझौता हुआ। आज एक गिरफ्तारी नहीं उसको कह सकते जो आज पूछताछ हुई है, वो निमंत्रण देख के बुला हुआ आदमी है और जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कोई उससे क्वेश्चन कर लेगा। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है और रहेगा। हम 12 तारीख में आगे के निर्णय, पूरा संयुक्त मोर्चा 12 तारीख में वहां पे जा रहा है और वहां पे आगे की जो ये घोषणा की है इनको पूर्ण रूप से अमल में वहां पे जा जाएगा। धन्यवाद। साथियों, सवाल जवाब के लिए सब खुले हैं। अपना सवाल पूछते वक्त बताइए कि सवाल किससे, आप हम सबसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे बीच राजीव जालौन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो वे भी वहां पर शामिल थे उस टाइम पे, वो भी शामिल थे। तो आप बताएं किससे सवाल है और पूछिए। एक मिनट, मेरा इतना अनुरोध है, एक एक करके मैं बुला लूं इससे पहले कि आप शुरू कर दें। हाँ, आप पहले पूछ लीजिए, आपका हाथ पहले था, उसके बाद आप, उसके बाद आप थी। सर, ये सर आप पूछ रहे थे कि जो आपने 5 राशनें की है उसमें आपने ये बोला कि हमारी मांगे पूरी होंगी तब हम ये 5 चीज नहीं करेंगे या करेंगे, सर इस पर थोड़ा अधिक क्लैरिटी ला दीजिए। जो अच्छा किया आपने पूछ लिया, थोड़ा हमारी तरफ से कहने में कसर थी। 12 तारीख को जो अंतिम अरदास का प्रोग्राम है वो पक्का है, हर हालत में होगा। सरकार कुछ करे ना करे, हम तो अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, पूरे देश भर से किसान जाएंगे, उसके बारे में कोई सेकेंड थिंकिंग नहीं। उसके बाद के जितने भी कार्यक्रम हैं और ये जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो इस पे निर्भर हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, मिनिस्टर की बर्खास्तगी, मिनिस्टर की गिरफ्तारी और बेटे की गिरफ्तारी, अगर ये तीनों मांगे मान ली जाती हैं तो बाकी के कार्यक्रमों पे हम पुनर्विचार करेंगे, नहीं तो ये प्रोग्राम हमारे तय है लागू। राकेश त्रिवेदी, मेरा सवाल है कि आप सब लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, सारे नेता हैं, इसमें कुछ राजनीति आ गई है, राजनीतिक लोग आ गए हैं, तो त्रिवेदी जी आप कहां तक इसे समझते हैं जो सारे राजनीतिक दल आपको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली? किसी की डेथ पे कोई जा रहा है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, हमको कर रहा है या मृतक लोगों को कर रहा है? अगर देश के प्रधानमंत्री को संवेदना नहीं है तो दूसरे लोगों तो को तो है, उनको तो धन्यवाद देंगे हम। ये काम तो प्रधानमंत्री का था कि लोगों की डेथ हुई, उनके लोगों ने लोग को मारा, देश के प्रधानमंत्री को जरूर संवेदना करनी चाहिए थी। अगर देश की पार्लियामेंट को शर्म नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो उसको ये बता जाएगा कि ये राजनीति कर रहे हैं। बताओ, अभी यहाँ कोने पे INS के साथी खड़े थे, बाद में वो कहेंगे सवाल नहीं पूछा। जी, तो आप पूछ लीजिए। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लिख के दिया 47 किसान नेताओं को पार्टी बनाया, बॉर्डर खुलवाने को लेकर। आज खट्टर साहब अमित शाह से मिल रहे हैं बॉर्डर खुलवाने को लेकर, वो सरकार जवाब दे देगी। हमको जब वो मिलेगा तो हमारे एडवोकेट उसको जवाब दे देंगे। वो अमित शाह जी बता देंगे, खट्टर साहब को बताएंगे, आपको कोई बताया हो तो हमको बता दो, हम उसका जवाब दे देंगे। आपको पता है कि क्या बातचीत उनकी हुई? अभी आज मुलाकात हुई। अरे मुलाकात पे हम क्या बता दे, आप भी यही है, हम भी यही है। अगर आपको कोई बात उनकी हुई हो तो वो आप बता दो, उसका हम जवाब दे देंगे।
ये बहुत अच्छा है कि खट्टर साहब और अमित शाह जी मिल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि सड़कें खाली करवाना सरकार का काम है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में बातचीत करनी चाहिए, कायदे से एक महीने पहले कर लेनी चाहिए थी, वो कर रहे हैं। और हमने हमेशा पहले दिन से कहा है ये सरकारों का काम है, सड़क हमने रोकी नहीं है। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, ये बैरिकेड किसानों ने लगाए हैं क्या? ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, ये क्या बैरिकेड किसानों ने लगाए? सड़क पे की किसानों ने ठोकी है, सड़क को तोड़ा किसानों ने है, तो ये सवाल है, इसके ऊपर ये बात कर ले और हो जाएगा। जी एक मिनट, आपसे पीछे आप मेरा सवाल आप सबसे है, जो पुलिस का रोल रहा है क्रिमिनेशन संस्कार होने से पहले जो भी बातचीत हुई, जैसा बताया गया कि 5 राउंड में, उसमें पुलिस के रोल से आपकी संतुष्टि है? दूसरा, उसके बाद आज तक का जो पुलिस का रोल रहा है, FIR जो लॉन्च हुई है, उसमें जो जो सेक्शन लगाए गए हैं और जो जो नहीं लगाए गए हैं, उससे आपकी संतुष्टि है? तो पुलिस आज तब से लेकर के अब तक के पुलिस के रोल को थोड़ा विस्तार से बताया जाए, आप लोगों की संतुष्टि है? दूसरा सवाल ये है कि क्रिमेशन जब हुआ, अरेस्ट होने से पहले क्रिमेशन कर दिया जाए, ये फैसला सकैत साहब आपका अकेले का था या संयुक्त किसान मोर्चा का था? ये दो सवाल। किसी के बाहर डेड बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है, ये ही पूरा प्रेस में और मीडिया में एक दिन बाद में क्या चलता वो हमको पता है। अगर कोई लोग जब यहाँ पे 88 में आंदोलन चला, किसने वो आंदोलन अगर देखा हो तो जरूर प्रेस के लोग हाथ उठा सकते हैं, ना हो तो मैं उसको बता सकता हूँ। सवाल में बता दें, सवाल का जवाब भी मिल गया और सवाल का बता दिया। 10,000 लोगों का फैसला था, उनके परिवार का फैसला था, वहां की कमेटी का फैसला था, बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है वो भी एक फैसला था। देखिए उसमें पुलिस का रोल तो अंडर क्रिटिसिज्म है ही, 302 का केस है, इमीडिएटली अरेस्ट के लिए जाना चाहिए, इस पर कोई पत्ना। एक मिनट प्लीज, सेकेंड, नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑन वन साइड। सेकेंड, जहां तक पोस्टमार्टम की बात है, पोस्टमार्टम रिपोस्टमार्टम कराया गया, क्रिमेशन जो है, क्रिमेशन भी हमारा पूरा लोकल कमेटी ने पेरेंट्स की मर्जी थी, पेरेंट्स ने कहा था, और SKM के लोगों की मर्जी से ही क्रिमेशन हुआ। जब डेड बॉडी जब हो गया कि एक एग्रीमेंट हो गया है, वहां की कमेटी ने जब तय किया, जो 10 लोग थे, पेरेंट्स थे, लोकल लोग थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा कि लोकल आप जानते हो, आप कीजिए उत्तर अनुसार वहां की सिचुएशन के मुताबिक। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि वहां जो 3 तारीख की शाम को, आप सबको ध्यान है, शाम 7 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 3 तारीख शाम को ही हमने कह दिया था मिनिस्टर बर्खास्त हो, बेटा गिरफ्तार हो, बाद में पूरी एविडेंस आने के बाद हमने कहा मिनिस्टर भी गिरफ्तार हो, और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती, हम कैसे पुलिस से कार्य संतुष्ट हो सकते हैं? हम कतई संतुष्ट नहीं है। वो पुलिस जो कि तेजिंदर बेद को इंटेरोगेट करने आज दिल्ली पहुंच जाती है, और जो अपनी बगल के अंदर बैठे हुए मोनू को पकड़ नहीं सकती, उससे हम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? जो उस वक्त समझौता था स्थानीय कमेटी का, वो जिसमें उस वक्त हमारे साथी भी मौजूद थे अंतिम संस्कार के लिए, वो केवल कुछ लिमिटेड प्री कंडीशंस थी अंतिम संस्कार के लिए, कोई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना था, ना है, ना हो सकता है इस तरह की सरकार से। आपने पूछा पुलिस की वो प्री कंडीशंस क्या थी जिससे संयुक्त किसान मोर्चा सहमत था? नहीं, पुलिस के नहीं, हमारी कंडीशंस थी वहां की, जैसे आपने स्पष्ट बताया, हमारे साथी पहुंच जी ने बताया कि वहां पहुंचने कुछ, मैं आपको सीक्वेंस दोबारा स्पष्ट कर दूं। नंबर 1, हमारे नेताओं के वहां पहुंचने से पहले वो कंप्लेंट जा चुकी थी जो कि FIR का बेसिस है। ये पॉइंट आप, मैं चाहता हूं जस्ट एक्चुअली नोट कर लीजिए। कैद साहब की तरफ से नहीं जी, बताओ जो
स्थानीय कमेटी जो वो कंप्लेन की जगजीत सिंह है जिनकी तरफ से कंप्लेन स्थानीय कमेटी थी। आप बताओ आपका क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि ये जो पुलिस ने एक हफ्ते का मांगा था आप उससे सहमत थे या संयुक्त किसान मोर्चा उससे? नहीं नहीं, सब लोग उसे एक हफ्ते में हम अरेस्ट करेंगे और क्रिमिनेशन कर दोगे, इसमें सब लोग सहमत थे। सब लोग सहमत थे, वहां के 10,000 लोग सहमत थे, उनका परिवार सहमत था, जो बातचीत कर रहे थे वे लोग सहमत थे, वहां के जो अधिकारी सब वहां पे मौजूद थे और उनकी दिन से ही बातचीत शुरू हो गई थी वहां पे। और जब हम सुबह गए उस टाइम तक कई दौर की बातचीत हो ली थी। साथियों, मैं आपको FIR की जो बात कर रहे हैं आप उसको बता दूं, एग्जाम हुआ सुबह पहुंचते हैं 6 और 7 के लिए, मैं पहुंचता हूं 7 और 7:30 के लिए। ये जो FIR की बात कर रहे हैं आप, ये हमारे साथ जो वहां की स्थानीय कमेटी है रात को लिख करके कंप्लेंट पुलिस को दे दी थी। जो वहां हमारे साथी थे वो कितना कर पाए आपको पता है, डेड बॉडियां पास में रखी है, वो हूं एक एक शब्द जो FIR में है वो हमारे साथियों ने कंप्लेंट में दी थी, वो सारी की सारी यू की यू FIR में है, क्योंकि उनको इतनी ही जानकारी थी कि ये टेरर अटैक इनके पिता ने करवाया है और मोनू मिश्रा ने किया है। ये सारी वीडियोस बाद में ओपन हुई है। और टिकैत साहब हमारे वहां के नेता है, हमारे सारे उसको लीड जरूर कर रहे थे, मगर इसके अंदर सारे के सारे शामिल थे। इन्होंने सिर्फ वो बातें रखी थी जो स्थानीय कमेटी ने डिमांड हमारे को लिख करके दी थी। ये थैंक यू, आपका सवाल था जी, एक मिनट इनका सवाल था, इसी सवाल पर जी सर, इसी पे है फॉलो अप जी। जी 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 सर, बोलना तो पड़ा। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया SCM का, उसमें जो डिमांड रखे गए थे 3 तारीख की शाम को, इससे ठीक इतर कॉम्प्रोमाइज अगले दिन जो हुआ है, कॉम्प्रोमाइज में टेक किया गया, जिसको पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई किसान मोर्चा और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वो किस सिचुएशन में हुआ, किस कंडीशन में हुआ और प्राइमरली कौन लीड कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस कॉम्प्रोमाइज? नंबर एक सर, इससे थोड़ा अलग है कि लखनऊ वाली जो आप महापंचायत की बात कर रहे हैं, क्या उसमें राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन लेंगे? वहां पे जो ये है, क्योंकि बहुत घटनाक्रम बहुत चेंज होते हैं, जब बोड़िया वहां रखी रहती है, परिवार उनके पास में रहता है, ऊपर से बारिश होती है, तो दोनों तरफ से समझौते की तरह बातचीत चलती है और समझौता पूरा प्रेशर में किसान संगठन ने लिया, प्रेशर में दबाव दिया उनके ऊपर और अपना दबाव हमारा पूरा प्रशासन सरकार के ऊपर था। जो उनको कहा उन्होंने वही FIR दर्ज करी, हमको दे दी। 120B में गृह राज्य मंत्री नाम दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी से कहा कि हम भारत सरकार को अवगत करा देंगे, ये हमारे हाथ में नहीं उत्तर प्रदेश में, हमको 7 दिन का टाइम गिरफ्तारी में चाहिए, हम गिरफ्तारी करेंगे उसकी, 7 दिन का टाइम चाहिए। जो पैसे की बातचीत हुई वो उन्होंने ट्रांसफर साथ के साथ करे, नौकरी घायलों को पैसे वो लिस्ट बना के दी, तो उससे एक समझौता, सब लोगों से समझौता हुआ। और बॉडी का भी है कि बॉडी कितने दिन रुक सकती है वो उनको भी पता है, सबको पता है, प्रेस के लोगों को भी पता है। लेकिन हाई कोर्ट में एक मिनट। दूसरा सवाल था कि क्या 26 तारीख की रैली में पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग लेंगे? वो होने के बाद आपको मैंने बहुत देर से रोक रखा है, आपका सवाल होगा सीक्वेंस में पूछेंगे, जिसने 26 तारीख का पॉलिटिकल लोक तो उसमें नहीं कोई भी आएगा, उस पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की होगी। किसी को करना है पूरा, अब मैदान साफ है, जिसको आंदोलन जहां करना है वो आंदोलन करे, पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको भी आंदोलन करने चाहिए। हमने तो कहा कि जो भी वहां पर उनके परिवार में जा रहा है, गरीब परिवार है, जो भी उनकी मदद कर सकता है मदद करे। वो जो पत्रकार किसान थे हमारे, उन पे बहुत दबाव आया कि आप ये कहो कि किसान ने पिटाई करके इनको मारा है, लेकिन जब गाड़ी के नीचे 4x4 गाड़ी
का गियर लगा के क्या कोई वहां कीचड़ था, ये सब जांच में आएगा कि गाड़ियों में 4x4 गियर लगे हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि लोगों को रोंदा जागा गाड़ी स्लिप ना करें, ये भी एक पूर्ण रूप से हमने गाड़ियों को भी कहा कि उस गाड़ियों के साथ में छेड़खानी ना हो, गाड़ियों में 4x4 गियर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये था कंफर्म कि पब्लिक को मारना था, एक गाड़ी दूसरी तीसरी तीन तीन गाड़ियों से। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको फिर याद दिला दूं, संयुक्त किसान मोर्चा का एक स्टैंडिंग फैसला है कि संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी मंच पर पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि बतौर पॉलिटिकल पार्टी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा, ये बिल्कुल हमारा स्टैंडिंग फैसला है। उनके किसान संगठनों के साथ ही उनसे जुड़े हुए वहां हमेशा आए हैं, पहले दिन से रहे, लेकिन बतौर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव या लीडर कोई संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे नहीं आएगा। वही फैसला 26 अक्टूबर को भी लागू हो। आपका सवाल बहुत समय से रुका हुआ था जी। लगता है मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस को बना लिया है बैरिकेड हटाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं, हम तो 10 महीने से इसका इंतजार कर रहे थे। अगर देखिए बैरिकेड किसने लगाए, दिल्ली पुलिस ने, कीले किसने ठोकी है दिल्ली पुलिस ने, सड़क को किसने तोड़ा है दिल्ली पुलिस ने, दीवार बनाई और टिकरी बॉर्डर पे तो तोड़ा नहीं है, दीवार बना रखी है। तो भाई लगता है सिंगो बॉर्डर पे भी तो लगता है खट्टर जी ने फाइनली अमित शाह जी को मना लिया है कि किसानों को दिल्ली आने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप तमाम चीजें हटा दीजिए। और अगर ऐसा आज शाम तक घोषणा आ जाती है, हम जरूर एक स्वागत का बयान जारी कर देंगे, मैं आपको विश्वास दिला दिल्ली के अंदर जाएंगे। अरे सर मैंने कहा ना वो पहले करें तो सही, सबसे पहले हम स्वागत तो करेंगे, इसका बाद में आगे बैठेंगे मीटिंग करेंगे, जरूर आपको बताएंगे। एक मिनट, उसके बाद आपका सवाल था, सॉरी आपको मैंने रोक दिया था, आप पहले आप पूछिए। आपका सवाल है, आपने कहा कि समझौता जो हुआ उसके लिए किसानों किसान संगठनों ने प्रेशर बनाया था, रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाएंगे, इसका प्रेशर आपने दिया था या सरकार ने प्रतिनिधियों ने दिया था? नहीं नहीं, वो पूरा जो लिखित में उनको दिया था, जो डिमांड थी वहां लोकल उसकी, ये न्यायिक जांच, ये न्यायिक जांच है, नई जांच में रिटायर भी आ रहे हैं। और जो रिटायर साहब वो रिटायर जज सरकार से वेतन लेकर के फिर जांच करेगा, और जितना गंभीर किस्म का ये मामला था किसानों का, हमने न्यायिक जांच की बात करी है, न्यायिक जज से डिमांड होनी चाहिए, वो न्यायिक जांच करी है, न्यायिक जांच में उन्होंने किसको। मैं एक मिनट, मैं एक मिनट इसको स्पष्ट कर दूं, एक मिनट, और मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के कल के प्रेस बयान में जो बात आई है मैं उसको दोहरा रहा हूं, कल और परसों हमने इस बात को कहा है, ये जो नोटिफिकेशन कल रात को परसों रात को उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला है वन मेंबर जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी का, उसके बारे में हमने कहा है ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है जिस तरह से आनंद फानंद में निकाला गया है उसका एक ही उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को अफेक्ट करना, वहां जाके कहना कि हमने तो कमीशन बना दिया अब आप इसमें इंक्वायर मत करो, नंबर एक। नंबर दो, आपने देखा होगा उस नोटिफिकेशन में किसी भी इंक्वायरी कमीशन के नोटिफिकेशन में TOR दिए जाते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इस कमीशन का एक लाइन का TOR नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरा, जो ओपनिंग लाइन है वो ऐसी बनाई गई है जिसमें 3 तारीख से पहले की एक शब्द पे इंक्वायरी नहीं होगी, जैसा दर्शन पाल जी ने शुरू में कहा ये कहानी 3 अक्टूबर को शुरू नहीं होती है, कहानी 25 सितंबर को शुरू होती है, उसको इसकी इंक्वायरी के परव्यू से बाहर कर दिया गया। 2 महीने का समय दिया है और साथ में इशारा भी कर दिया कि और मांगोगे तो वो भी मिलेगा। इस तरह की चीज को हम कतई स्वीकार नहीं करते, ये हम अपने कल के बयान में लिख के कह चुके हैं, मैं केवल दोहरा रहा हूँ। एक मिनट, हमने जो अपना डिमांड चार्ट जो राष्ट्रपति जी को भेजा था उसमें हमारा ये था कि एक सिटिंग जज की सुपरविजन में एक SIT बने
जो पड़ताल है हमारा बहुत क्लियर था, वहां हमारे कैसे फुट हो गए अलग बात है, लेकिन हम उसी पर स्टैंड करते हैं कि वो एक टालने वाली कोई प्रक्रिया ना हो, ना फोन टालने वाला ना प्रक्रिया टालने वाला। जी एक कौन सी भी बात जोड़ रहे हैं, मैं जयशंकर जी ने आपको याद दिलाया पहले दिन जो हमने मांग की थी, जिसको हमने राष्ट्रपति के नाम रिप्रेजेंटेशन में 4 अक्टूबर को पूरे देश भर में दिया है, उसमें हमारी मांग थी कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में SIT हो जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करे। जी साथियों, ये सवाल के ऊपर बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन हमारा मानना है कि ये घटना 25 तारीख से शुरू हुई थी और ये टेरर अटैक, ये हमारे को डराने के लिए, उन किसानों को भय पैदा करने के लिए मंत्री द्वारा प्लान किया हुआ अटैक है। इसलिए हमने ये बड़ी चीज की वहां बात आई थी, वो इसको मात्र 3 तारीख के लिए बोल रहे थे, हम कहते थे घटना 25 से कर लिए, इसलिए बात आई। धन्यवाद जी, एक मिनट हो गया। वो तो है जी, क्या किस चीज में आप राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इंक्वायरी करे, एग्रीमेंट कर लेते हैं सिटिंग जज को रिटायर जज भी कर सकता है? नहीं नहीं, कोई चूक नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुई, न्यायिक जांच है ना, कंडीशन उनकी थी, न्यायिक जांच है, और ये था कि कोई भी भूल चूक होगी 2 दिन में 4 दिन में किसी के पास में कोई एविडेंस होगी वो इसमें कोर्ट कर लिया जाएगा, ये तो सब चीजें तय होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज से करवानी है, ये उनकी गिरफ्तारी है, मंत्री की मैन मंत्री की गिरफ्तारी मंत्री की बर्खास्तगी है। मैं फिर याद दिला दूं, एग्रीमेंट शब्द गलत है, हमने केवल क्रीमेशन से पहले हमारी जो पूरा डिमांड चार्टर था उसमें से 2-3 आइटम हमने क्रीमेशन से पहले की कंडीशन बनाए थे, बाकी सब हमारी मांगे पहले दिन से हैं, आज तक हैं, कायम है, उसके लिए हमारा संघर्ष हमारी लड़ाई जारी है। जी, लखीमपुर की घटना में जो इन्वॉल्व है वो मंत्री और उसके बेटे दोनों ही रूलिंग पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, दे रिप्रेजेंट द रूलिंग पार्टी एंड देयर इज एन इलेक्शन कमिंग अप इन उत्तर प्रदेश। माय क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल, इफ दे डू नॉट यील्ड ऑन योर डिमांड फॉर सैकिंग द मिनिस्टर एंड अरेस्ट ऑफ द मिनिस्टर एंड हिज सन, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट फ्रॉम द किसान मोर्चा? The question is, if our demands are not met, what are we going to do from Sangh Kisan Morcha? I've already outlined, let me repeat that very quickly in English. Number one, on the 12th, we shall start a Kalash Yatra, Shaheed Kisan Kalash Yatra, to all the districts, 75 districts of UP, we will take a Kalash Yatra. Number two, you got all the points. I got all the points, yeah. I'm saying. हम दोबारा चर्चा करेंगे, आपके पास एक और निर्णय लेके आएंगे, आपको जरूर बताएंगे कुछ भी करने से पहले। आपने कहा कि हम में मोर्चा पक्का मोर्चा लगाएंगे, ये आपने कहा है? नहीं 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 नहीं, हाँ कोनिया में 12 से पक्का मोर्चा लगेगा या नहीं? अभी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कोनिया में पक्का मोर्चा लगेगा? अभी देखिए, ये हमारे अंदर चर्चा है, इस पर फाइनल फैसला हम यूपी के उस एरिए के सिलेक्टरों के साथ बातचीत करके फाइनल करेंगे, अभी नहीं ये आइडिया नहीं है, ये ना ये आइडिया पक्का है ना ये आइडिया नहीं है, दिस इज ए प्रपोजल, वी आर डिस्कसिंग विद लोकल पीपल, अगर वहाँ की सिचुएशन में लोगों का तैयारी है सोचा करेंगे, सोचा सोचा नहीं है। सर ये एक सवाल है, तो इसको अभी प्लीज रिपोर्ट नहीं कीजिए, ऐसा कोई डिसीशन अभी तक हमारा नहीं। जी सर एक सवाल, सर जब ये घटना हुई थी किसानों का
वे कौन थे जो गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा? जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं सड़क के ऊपर, वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है। आप वो पढ़ लो पूरा, है जी, आप उनको दोषी नहीं मानते, नहीं मानते दोषी। आप जब आपकी गाड़ी लगती है तो पढ़े लिखे आदमी, उनको ये पता है कि इसका इंश्योरेंस है, आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगता। वो सड़क पे बीच चौराहे पे खड़ा होकर रास्ता जाम करके लड़ता है इनका ही। ठीक है, फिर आपको सिर्फ दो तीन चीज में अंडरलाइन करता हूं। पहला ये कि इंडियन लॉ अलग अलग तरह के, जहां किलिंग होती है किसी भी तरह की, भारत का कानून उसमें अलग अलग तरह के डिफरेंशिएट करता है। कौन सी हत्या ऐसी है जो अनप्रोवोक्ड है, प्लैंड है और इंटेंशनल, कौन सी है जो इंटेंशनल नहीं है, अनइंटेंशनल है, कौन सी है जो प्रोवोक्ड है और हाई प्रोवोकेशन के अंदर होती है। हमारा कानून इन तमाम डिस्टिंक्शंस को एक्सेप्ट करता है और मैं समझता हूं कोई भी जो इंक्वायरी होगी वो कानून के हिसाब से ही होगी। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से और मैं समझता हूं मोर्चा की तरफ से भी कहना चाहता हूं, किसी भी इंसान की मौत, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी रंग का गमछा पहनता हो ना पहनता हो, किसी भी इंसान की मौत हम सब के लिए दुख का विषय है, शर्म का विषय है। और अगर मेरे रंग का गमछा पहनने वाले को न्याय मिलना चाहिए तो दूसरे रंग का गमछा पहनने वाले को भी न्याय मिलना चाहिए, मगर वो संविधान और कानून के हिसाब से होगा। और जैसा मैंने कहा, कानून इस देश का उसमें अंतर करता है, उसमें जो पहले से तय करके फोर व्हीलर लेके लोगों के ऊपर, फोर गियर जो भी होता है, मैं तो जानता भी नहीं क्या होता है, उसको लेके लोगों को कुचलता है उसमें, और उसके बाद जो मॉब फ्यूरी होती है उसमें इस देश का कानून अंतर करता है। मैं समझता हूं जो कुछ भी होगा वो कानून के हिसाब से ही होगा और हम कानून के हिसाब से ही चलने में विश्वास करते हैं। आप सबने बहुत सहयोग किया, एक बार फिर हम खड़े हो जाएं ताकि आसान, एक बार खड़े हो जाते हैं एक साथ, सबका धन्यवाद। नया